हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे उसे तूफान कहते हैं। दोस्तों, जो ये आपको सुराग दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मानवीय निर्णायक मंडल के सदस्य, आयोजक मंडल के सदस्य और सभा में उपस्थित सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। मैं कंचन आज आपके सामने 2047 के विकसित भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को विकसित भारत के बारे में बताया था कि आज हम सौभाग्यशाली हैं जो आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और 2047 तक आजादी को एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसी पे मैं अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि विकसित भारत के बारे में मैं क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि साथियों आपको पता है, विकसित भारत के लिए हमें कोई बलिदान नहीं देना है। यदि मैं बात करूं आजादी के पहले की बात करूं तो देश बलिदान मांगता था। बात करो 62, 65 और 71 के युद्धों की, जिस समय बहुत सी औरतों ने अपने सुहाग गवा दिए थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, नन्हे मुन्नों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई। उस समय देश बलिदान मांगता था, आज हमसे देश बलिदान नहीं मांगता, न फांसी चढ़ जाना मांगता है, न मर मिट जाना मांगता, बस एक व्यक्ति मेहनत और पूरी ईमानदारी और लगन से काम करे, यही सब कुछ है। इसी से हम अपने देश को विकसित करना चाहती हूँ। अब मैं बात करूँ भारत के 5 प्रांतों की, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बताया था। एक विकसित भारत का निर्माण हर नागरिक को अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें अपने नागरिकता पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से कार्य करनी चाहिए। और अब आगे अगर मैं बात करूं विकसित भारत की, तो दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी देश में 2 दिन तिरंगा लेकर खड़े हो जाना कोई सच्ची देशभक्ति नहीं है। और अगर हम इसे सच्ची देशभक्ति मानते हैं, तो फुटपाथ पर रहने वाला वो 7-8 साल का बच्चा जो नंगे पांव 15 अगस्त और 26 जनवरी से 1 महीने पहले तक तिरंगा लेकर खड़ा हो जाता है, उसे सच्चा देशभक्त बोलना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि वो न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, पेट के भूखे सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, पेट के भूखे सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बताया, जैसे कि इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बड़ी बड़ी कंपनियों पर सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर में अधिकांश सदस्य भारत के। भारत में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आज बहुत ऊंचाइयों पर छू रही है। जैसा कि पहले भाषण में सर ने बताया था कि आज साइंस में हमारा भारत कितना आगे है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भारत की बेटी होने के नाते आज इस मंच पर आप सभी युवा साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें एकजुट होकर भारत को आगे लाना चाहिए, एकजुट होकर भारत को आगे लाना चाहिए। हमारा देश महान